वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल रोहित राज क्रिएशन में। जो त्यौहार आ रहे हैं उन पे हम डिजाइनिंग करेंगे, जैसे कि होल्डिंग, पोस्टर, बैनर सब डिजाइन होना शुरू हो गया है त्योहारों के शुभ अवसर पर। बीजेपी कलर में हम एक बैनर यहाँ पे डिजाइन करेंगे, जो राष्ट्रीय पार्टी है बीजेपी। और इसमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ी है, कौन कौन सा इसमें PNG फाइल यूज़ किया गया है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को मिस ना करिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ और यहाँ आ जाते हैं अपने कोरल ड्रा में। अभी इस फाइल को हम अनग्रुप कर देंगे और जो पीछे वाला लेयर है, ये जो रेड कलर का दिख रहा है, इसको मैं यहाँ से हटा दूँगा, डिलीट कर दूँगा। एक फ्रेम हमने बनाया था, ये जो फ़ोटो है ये भाजपा के जो सारे नेता हैं ये इसमें ग्रुप किया गया है, ठीक है। और भी फ़ोटोज ऐड करना चाहते हैं तो इसी तरह से फ़ोटो को इधर ऐड कर सकते हैं PNG बना करके, बिना PNG के ना ऐड करें, नहीं तो जो आपका डिज़ाइन है बेकार लगेगा, ठीक है। और उसके बाद में हमने यहाँ पे एक झालर यूज़ किया है, जो डेकोरेशन PNG जिसको बोलते हैं, ये भी बिल्कुल PNG फाइल है। और ये जो दिया है, ये दिया भी PNG फाइल है, इसको मैंने यूज़ किया है। ये पूरा एडिटेबल फाइल है। और दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिए, ये जो फाइल है ये भी बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगी, लेकिन जो इसका पासवर्ड होगा वो वीडियो में आपको बोलकर बताया जाएगा। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है आपको, और कैसे मिलेगी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी इस वीडियो में, ठीक है। तो जैसे कि आप कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ से रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, आप पोर्ट्रेट में या लैंडस्केप में डिज़ाइन बना रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो मैटर शेडिंग करने का एक तरीका होता है वो आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें हमने जो मैटर को ऐड किया है, सबसे पहले हमने सारे नेता के यहाँ फ़ोटो लगा दिया है, उसके बाद यहाँ पे कुछ PNG दिया का लगा दिया है, और उसके बाद में आप सभी को क्षेत्रवासियों या देशवासियों कर सकते हैं यहाँ पर हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, जो शुभकामनाएं देता है उसकी फ़ोटो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, यानी हाईलाइट होना चाहिए। बाकी आपको PNG फाइल जैसे होती है, जैसे हम यहाँ दीपावली मेंशन कर रहे हैं, तो दीपावली के लिए हमको यहाँ पे दिए का PNG लगा देना है। ये दिए हमने लगाया हुआ है, इसको पावर क्लिक किया इसके अंदर, तो यहाँ पे एडिट पे जाएंगे और इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है। और ये हार्दिक शुभकामनाएं जो लिखा हुआ है, यहाँ पे फॉन्ट देख सकते हैं, सुपर हिंदी फॉन्ट है, 10 यूज़ किया गया है। ये फॉन्ट भी आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। और ये वाला जो दिया है, ये वाला, ये भी PNG फाइल है, इसको मैं ड्रैग करके इधर ला सकता हूँ, ठीक है। और इसकी शैडो यहाँ पे रखी हुई है। और ये जो फ़ोटो है, फ़ोटो भी आपकी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, फ़ोटो को आप फोटोशॉप में अच्छी तरह से बना लें। अगर फ़ोटो एडिटिंग नहीं आती है तो आप फोटोशॉप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, बहुत से लोग सिखाते हैं। लास्ट में यहाँ पर जो यूज़ किया गया है, इनका नाम वगैरह लिखा गया है, 3 फ़ोटो लगी हुई है, ठीक है। आप कितनी भी फ़ोटो अपने हिसाब से यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, अगर आप प्रिंट के लिए बना रहे हैं तो उस हिसाब से यहाँ पर फ़ोटोज़ को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर जो मेन बैकग्राउंड जो इसमें लगा हुआ है, मैं इस बैकग्राउंड को बाहर निकाल ले रहा हूँ पहले, ये देखिए, ये जो बैकग्राउंड है इसमें हमने क्या किया है, एडिट पे जाएंगे तो पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ये वाला। उसके बाद में यहाँ पे एक मैंने क्रिएटिव यूज़ किया है, ठीक है, ये वाला देख सकते हैं, ये क्रिएटिव बिंदी वाला ये मैंने यूज़ किया है, इसको भी आप अनग्रुप कर सकते हैं यहाँ से। अगर आपको ये नहीं पसंद है तो भी आप इसको डिलीट कर सकते हैं, ये देखिए, डिलीट करके फिनिश करेंगे तो ये सिंपल कलर यहाँ पे आपको दिखाई देगा। चलिए Ctrl+Z कर दे रहे हैं इसको हम, ओके, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। और ये सारी PNG फाइल है। अगर आप कमल का फूल जो है सिंबल अब BJP, इसको अगर चेंज करना चाहते हैं तो इसको भी चेंज कर सकते हैं, फुल एडिटेबल डेटा है। और इसका जो दोस्तों पहला पासवर्ड है वो है 503, नोट कर लीजिए दोस्तों। अगर ग्रेडियंट की बात करें तो जो टेक्स्ट में ग्रेडियंट लगाया गया है, इस ग्रेडियंट को अगर आप देखेंगे तो इसमें 3 कलर यूज़ किया गया है। जैसे कि मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ, डुप्लीकेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हम आएंगे इंटरेक्टिव फील टूल पर, इसका शॉर्टकट की है G, और इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 कलर यूज़ किया गया। आप चाहें तो यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं, ये देखिए चेंज हो गया,
कलर ऐड भी कर सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे तो कलर ऐड हो जाएगा और यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए तो ये आपका ग्रेडियंट इस तरह से बन जाता है। कंट्रोल जेड कर देंगे। पासवर्ड नंबर 2415, तो कंट्रोल जी से इसको ग्रुप करेंगे। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है, सेव कर देता हूँ। फाइल में जाएंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे। मैं आपको इसको फ्री में देने वाला हूँ, तो जो वर्जन इसका रखूँगा मैं 13 वर्जन रखूँगा, ताकि जो प्रिंटर्स लोग हैं वो इसको पूरी तरीके से यूज कर पाएँ, और इसका जो फॉन्ट है वो भी आपको मिल जाएगा। तो डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ, BJP नवरात्रि पोस्टर, नवरात्रि दिवाली पोस्टर, ओके। अब इसको मैं सेव कर दूंगा 13 वर्जन में, ओके कर दूंगा। और जो इसका तीसरा पासवर्ड है वो दोस्तों है 312। दोस्तों इन तीनों पासवर्ड को मिला करके आप डालेंगे तो आपका जो फाइल है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी और इस पर आप आसानी से काम कर पाएंगे। लेकिन ये फाइल आपको मिलेगी कहाँ से, इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल में आपको ये फाइल मिल जाएगी, वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये डिज़ाइन भी आपको पसंद आएगी। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।